जयस्टो पाठशाला में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम प्रश्न कुंडली के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी भाव विचार की, भाव नंबर एक से लेकर छह नंबर भाव तक। आज हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सातवें भाव की बात करेंगे। भाव विचार के लिए प्रश्न कुंडली में यदि हमारे पास कोई प्रश्न आता है जातक लेकर कि व्यापारिक लेन देन के बारे में पूछता है, विवाद के बारे में पूछता है, यात्रा के बारे में पूछता है, या घर की वापसी के बारे में पूछता है कि उसका कोई रिलेटिव काफी दिन से गया हुआ है, उसकी घर की वापसी कब होगी, या पार्टनरशिप का प्रश्न करता है, या विवाह का प्रश्न करता है, या पत्नी के सुख के बारे में बात करता है, या चोरी के माल के बारे में बात करता है कि मेरा माल चोरी हो गया है, ऐसी सब व्यवस्था उसकी प्रश्न में है या उसका प्रश्न इस प्रकार का है, तब हमें क्या करना चाहिए? सातवें भाव को देखना चाहिए। सातवें भाव से हम क्या देखेंगे? व्यापारिक लेन देन के बारे में विवरण मिलेगा हमें वहां से, विवाद के बारे में पता लगेगा, यात्रा के बारे में पता लगता है सातवें भाव से, और कोई जातक यदि गया हुआ है घर से बाहर यात्रा में, उसके वापसी का पता लगता है कि प्रवासी वापस कब लौटेगा, उसका विचार अगर हमें देखना है। सातवें भाव में वक्री ग्रह बैठा होगा तो वह जल्दी वापस आने के बारे में सोच रहा है। इस प्रकार ये चीजें देखी जाती है। पार्टनरशिप का प्रभाव देखना है कि पार्टनरशिप अच्छी चलेगी या खराब चलेगी, तो ग्रहों के प्रभाव से हम कहां से देखेंगे? सातवें भाव से। पत्नी सुख, विवाह सुख, सातवें भाव, पत्नी से रिलेशन हमारा कैसे है, कलह क्लेश तो नहीं है, ये भी हम सातवें भाव से देखेंगे। विवाह को भी सातवें भाव से देखेंगे। कोई चोरी का प्रश्न है, चोरी के माल के बारे में भी हम सातवें भाव को देखेंगे। इस प्रकार हमने सातवें भाव के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं आठवें भाव की। आठवें भाव का कोई प्रश्न हो, जैसे कोई जातक आके कहता है मुझे शत्रु से भय है, सांप बिच्छू या बंदर कुत्ता काट रहा है या काट लिया है, तो इसका हम कहां से देखेंगे? उसका जो सर उसका जो दोष लगेगा काटने का, जो उसके अंदर जहर फैलेगा, वह कितना उसको बुरा फल देगा या जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ये हम आठवें भाव से देखेंगे। असाध्य रोग के बारे में कुछ प्रश्न है, वो भी आठवें भाव से देखेंगे। मृत्यु भाव के बारे में प्रश्न है, मारक भाव है ये, वो भी हम आठवें भाव से देखेंगे। अचानक कोई दुर्घटना का भय है या लगता है दुर्घटना हो सकती है, उसे भी हम आठवें भाव से देखेंगे। वसीयत का प्रश्न है, प्रोविडेंट फंड मिलना है, इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, ऐसा प्रश्न है, तो उसको भी हम आठवें भाव से देखेंगे। तो आठवें भाव का प्रश्न, जैसे कि जातक को शत्रु से भय है तब भी इसी देखेंगे, जातक को किसी सांप बिच्छू बंदर या कुत्ते ने काट लिया है उसका प्रभाव कितना लंबा चलेगा, उसको भी हम आठवें भाव से देखेंगे। और असाध्य रोग है, उसको भी हम आठवें भाव से देखेंगे। मृत्यु मारक भाव है, अचानक एक्सीडेंट होने वाला कोई सिचुएशन हो, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे कि जातक को वसीयत में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, माता पिता से क्लेम मिले, माता पिता से अचानक धन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको भी हम आठवें भाव से देखेंगे यदि हमारा प्रश्न इस प्रकार का हो। अब हम बात करते हैं अगले भाव की। नौवें भाव से क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या देख सकते हैं, और प्रश्न के हिसाब से जातक यदि धर्म का प्रश्न पूछता है, लंबी यात्रा के बारे में प्रश्न पूछता है, या जातक कहता है धर्मशाला मठ मंदिर के बारे में कोई उसका प्रश्न है कि मेरे को इसमें जाना है या इसका कुछ निर्माण करवाना है, ऐसा कोई प्रश्न है, वह भी हम नौवें भाव से देखेंगे। जातक अपने भाग्योदय के बारे में प्रश्न कर बैठता है, उसको भी हम नौवें भाव से देखेंगे। जातक की यश प्रतिष्ठा यदि हमें देखनी है, वह भी नौवें भाव से देखेंगे। जातक का प्रश्न हमारे पास आए कि क्या मेरे ऊपर गुरु या देव की कृपा होगी, तो यह भी हम इसी से देखेंगे। या जातक का प्रश्न हो कि मेरी पत्नी का भाई बीमार है या मेरी पत्नी के भाई के बारे में कोई उसका प्रश्न है, वह भी हम नौवें भाव से देखेंगे। अब हम बात करते हैं दसवें भाव की। यदि जातक का प्रश्न सत्ता का हो, उच्च पद का हो, व्यवसाय का हो, सामाजिक साख का हो, पिता के धन का हो, या विमान यात्रा का हो, या प्रवास का हो, तो ऐसा कोई प्रश्न उसका जातक का होगा, तो उसको हम दसवें भाव से देखेंगे। कि जातक आकर पूछता है कि मैं सत्ता में विराजमान रहूंगा या हट जाऊंगा, ऐसा प्रश्न भी हम यहाँ से देखेंगे। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होंगे, शुभ प्रभाव होगा, तो वो सत्ता में रहेगा, उच्च पद उसको मिल सकता है यहाँ पर सत्ता में, और वैसे व्यापार में या व्यवसाय में उसकी तूती बोलेगी या नहीं बोलेगी, या उसको परेशानी है, उसको भय है, बदनामी का डर है, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे। पिता के धन का, क्योंकि ये नौवें भाव से दूसरा भाव है, पिता का धन भी यहाँ से देखा जाएगा।
जहाँ तक विमान यात्रा के बारे में शंका में है कि मैं विमान से जाऊं या ना जाऊं, वह भी हम दशम भाव से देखेंगे। और प्रवास के बारे में भी जो हमारा व्यापारिक यात्रा होती है उसको भी हम दशम भाव से देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न प्रश्न कुंडली में आते हैं और अक्सर इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है कि कौन सा भाव है और उसको किस प्रकार हमें देखना है। अब हम अगले भाव की बात कर लेते हैं, ग्यारहवें भाव। ग्यारहवें भाव से हमें क्या क्या देखना चाहिए? यदि जातक पूछता है कि मुझे सुंदर वस्त्र मिलेंगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी, उत्तम वाहन का सुख होगा, पुत्र वधु के बारे में उसका प्रश्न हो सकता है, अपने दामाद के बारे में उसका प्रश्न हो सकता है, या आय में वृद्धि होगी या नहीं होगी, क्या मुझे समाज से प्रशंसा मिलेगी, क्या मुझे इस पर्टिकुलर टेंडर में लाभ मिलेगा, या मेरे कान में दर्द है तो हम लेफ्ट कान के लिए उसको वहां से देखेंगे ग्यारहवें भाव से, बड़े भाई के सुख के लिए भी ग्यारहवें भाव से देखेंगे। जब जातक के इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि क्या मुझे उत्तम वाहन मिलेगा, पुत्र वधु का प्रश्न हो, दामाद का प्रश्न हो, आय वृद्धि का प्रश्न हो, प्रशंसा का प्रश्न हो, लाभ का प्रश्न हो, या बड़े भाई के सुख का प्रश्न हो, तो हमें ग्यारहवां भाव देखना चाहिए। प्रश्न कुंडली का ग्यारहवां भाव, जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई है उसका ग्यारहवां भाव की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम अंतिम भाव व्यय भाव की बात करते हैं। व्यय भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं? व्यय भाव से हमें त्याग देखना चाहिए, भोग देखना चाहिए, दान देखना चाहिए, पूंजी निवेश देखना चाहिए, जो हमारे खर्चे हैं उसको देखना चाहिए, फिरौती का प्रश्न आ सकता है, यात्रा का प्रश्न हो सकता है जातक का, विदेश यात्रा का, घर से दूर लंबी दूरी, और बाईं आंख का प्रश्न हो सकता है। ऐसे प्रश्न जातक को हो सकते हैं, शयन सुख हो सकता है, या जातक खुफिया जांच के बारे में पूछना चाहता है कि मेरे ऊपर सीआईडी की कोई जांच चल रही है, उसका मेरे को क्या फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, तो ये सब हम बारहवें भाव से देखेंगे। तो बारहवें भाव का यदि प्रश्न हो त्याग का, कि मैं समाज को त्यागना चाहता हूँ या अपनी पत्नी को त्यागना चाहता हूँ, कोई त्याग का प्रश्न हो तब हम बारहवें भाव को देखेंगे। भोग का प्रश्न हो तब हम बारहवें भाव को देखेंगे। कि जातक की दान करने की इच्छा है, उसकी कैपेसिटी है, वो भी हम बारहवें भाव से देखेंगे। कोई बड़ा पूंजी निवेश, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जातक लगाने वाला है तो वो डरा हुआ है, क्या मैं पूंजी निवेश में सफल होऊंगा, ऐसा उसका प्रश्न है, तब भी हमें बारहवां भाव देखना होगा। बारहवें भाव की क्या पोजिशन है? उसकी पोजिशन अच्छी पोजिशन है तो उसको पूंजी निवेश से लाभ होगा। जातक अपने व्यय के बारे में पूछता है, या जातक ऐसा प्रश्न करता है कि उसके किसी का फिरौती हो गई है, उसमें मुझे फिरौती देकर वापसी मिलेगी मेरे रिलेटिव की, या वैसे हो जाएगा फिरौती का समस्या हल हो जाएगी। यात्रा का प्रश्न पूछ लेता है, या उसकी बाईं आंख में कोई प्रॉब्लम है, या हम उसको बाईं आंख के बारे में बताना चाहते हैं, तब हम व्यय भाव को देखेंगे। शयन सुख देखना है जातक का, तब भी यहाँ से देखेंगे। जातक के शत्रुओं, जो गुप्त शत्रु हैं, उनका प्रभाव देखना है, वो भी हम बारहवें भाव से देखेंगे। तो इस प्रकार आज हमने सातवें भाव से लेकर बारहवें भाव तक भाव विचार किया प्रश्न कुंडली का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्रह अवस्था का क्या फल हो सकता है हमारी प्रश्न कुंडली में।